नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं शुभकरण, सहायक आचार्य EFM। आज हम BCOM पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए यूनिट संख्या सेकेंड का अध्ययन करने से एक छोटे से मैसेज के साथ शुरुआत करना चाहेंगे कि मुसीबतें दिल के इरादे आजमाती हैं, सोपन के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हौसला मत हारना गिर के, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। आज हम BCOM पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर सेकेंड यूनिट संख्या सेकेंड के अंतर्गत फंड फ्लो स्टेटमेंट का अध्ययन करेंगे। फंड फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कोष प्रवाह विवरण, कोष प्रवाह विवरण। फंड फ्लो स्टेटमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बात है, जो कंटेंट है, उसकी हम बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसका अध्ययन किया था कि फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है, फंड फ्लो स्टेटमेंट के क्या इम्पोर्टेंस हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट की क्या क्या सीमाएं हैं। ये अपने थ्योरेटिकल पोर्शन में है जो आपके एग्जाम में अधिकतर पूछ लेते हैं, या फिर ऐसे पूछते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन में कि फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या अंतर है, फंड फ्लो स्टेटमेंट और वित्तीय स्टेटमेंट में क्या अंतर है। तो इनका अंतर आप आसानी से कर पाएंगे जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर पढ़ लेंगे। अब हम कोष प्रवाह विवरण का अध्ययन करने से पहले हम बात करें कि फंड फ्लो स्टेटमेंट जब हम तैयार करते हैं प्रैक्टिकल जो न्यूमेरिकल क्वेश्चनों में, तो हमें सर्वप्रथम स्टेटमेंट या शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाते हैं। स्टेटमेंट शोइंग द चेंज इन वर्किंग कैपिटल किस प्रकार से बनाते हैं, हमें कैसे उनको बनाना होगा, तो इसमें मुख्यतया जब करंट एसेट्स में जब वृद्धि होती है, क्या होती है, करंट एसेट्स में जब क्या होगी, वृद्धि होगी, मतलब चालू संपत्तियों में जब वृद्धि होती है तो अपनी वर्किंग कैपिटल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जब करंट एसेट्स दो सालों में हम तुलना करें, माना कि करंट एसेट्स 2016 और 17 की हमें दे रखी है, 2016 की 10,000 है और 2017 की 20,000 है, तो हम अपनी गत वर्ष से अगले वर्ष में अगर अपनी संपत्तियां बढ़ती हैं, कहने का मतलब है जब करंट एसेट्स में जब वृद्धि होती है तो अपनी वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज साइड लिखेंगे, वृद्धि हुई। जब करंट एसेट्स में वृद्धि होती है तो वर्किंग कैपिटल में क्या होगी, वृद्धि होगी। जब करंट एसेट्स में कमी होगी, जब करंट लायबिलिटीज में जब कमी होगी तो भी अपनी वर्किंग कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसको भी अपन आधार रूप से पढ़ सकते हैं कि 2016 में अपनी करंट लायबिलिटी 10,000 है और 2017 में अपनी कमी क्या होगी, 5,000, जिसका मतलब अपनी 5,000 रुपये कैश में क्या होगी है, 16 की तुलना में कमी तो अपनी इंक्रीज ही होगी। अगले करंट असेट्स में जब कमी होगी तो वर्किंग कैपिटल में अपनी क्या होगी, कमी होगी। जब करंट लायबिलिटीज़ में वृद्धि होगी तो अपनी वर्किंग कैपिटल में भी क्या होगी, कमी होगी। तो ये टेबल आपको हल्की सी ध्यान में रखनी है जिससे आप आसानी से ये चैप्टर कर सकें। अब हम याद करेंगे स्टेटमेंट शोइंग द शेड्यूल इन चेंज इन वर्किंग कैपिटल, स्टेटमेंट या शेड्यूल भी कह सकते हैं इसको, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। सर्वप्रथम हमें ये करते हैं कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में क्या क्या परिवर्तन हुए।
पहला जो कॉलम बनता है अपना यहां पर पर्टिकुलर का बनेगा, दूसरा कॉलम बनाएंगे ईयर का, इसे अपन ईयर भी लिख सकते हैं। ईयर में पहला प्रीवियस ईयर, दूसरे में करंट ईयर, अगला इसी कॉलम में बन जाएगा इफेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, इफेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। इफेक्ट में अपन दिखाएंगे इंक्रीज और इधर डिक्रीज। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर करंट एसेट्स में अपनी वृद्धि होती है तो वर्किंग कैपिटल में वृद्धि होगी, करंट लायबिलिटीज में अगर कमी होगी तो वर्किंग कैपिटल में वृद्धि होगी, अगर करंट एसेट्स में अपनी कमी होगी तो वर्किंग कैपिटल में कमी होगी, अगर करंट लायबिलिटीज में वृद्धि होगी तो वर्किंग कैपिटल में क्या होगी, कमी होगी। तो इस बात का हमें ध्यान में आप रख लेंगे तो आसानी से स्टेटमेंट शोइंग द वर्किंग कैपिटल आसानी से तैयार कर सकेंगे। अब हम इसी कंटेंट में आगे बात करें, सर्वप्रथम अपन क्या लेंगे, करंट एसेट्स। मैंने जैसे आपको ऊपर बताया टेबल में, करंट एसेट्स क्या होती हैं, करंट एसेट्स चालू संपत्तियां वे संपत्तियां होती हैं जो एक वर्ष के दौरान नकद में परिवर्तन हो जाए, चालू संपत्तियां कहलाती हैं, करंट असेट्स कहलाती हैं, जिनमें मुख्यतः क्या क्या सम्मिलित है, स्टॉक है, इन्वेंट्री भी कह सकते हैं इसको, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है, बीआर है, डेटर है, कैश एट बैंक तो है ही, और भी विभिन्न प्रकार के हैं, एडवांस टेक है, टैक्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, क्रूड इनकम है, कैश एट बैंक है, कैश इन हैंड है। तो सर्वप्रथम हम बात करें इसमें यहां पर स्टॉक की या इन्वेंट्री की, मान के चलते हैं पहली साल अपना स्टॉक कितना हुआ 10,000, दूसरे साल कितना हो गया 30,000। तो आप यहां देखिए क्या अपने स्टॉक में वृद्धि हुई है। मैंने जैसा आपको बताया करंट एसेट्स में जब वृद्धि होगी तो मानकर चलते हैं 2016 का ईयर है और ये 2017, तो अपनी वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, अपनी वर्किंग कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो अपनी 20,000 से क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो इस प्रकार से हम इसको हम ज्ञात करेंगे। दूसरी मद की हम बात करें और भी विभिन्न प्रकार की मदें हैं जिनमें है और भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, अपन ले लें बीआर की बात, बिल्स रिसीवेबल, पहले साल अपनी क्या है 5,000, फिर क्या हो गए 3,000, कमी हो गई। जैसे मैंने आपको बताया अगर करंट असेट्स में अपनी क्या होगी, अगर कमी हो जाती है तो क्या हो जाएगी, वर्किंग कैपिटल में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, कितनी कमी हो गई 2,000 की। तो इस प्रकार हम इसको ज्ञात करते जाएंगे। और भी एक दो करंट एसेट्स आप ले सकते हैं, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस ले लो आप, प्रीपेड एक्सपेंसेस पहले साल 10,000 और दूसरे साल 20,000, तो अपनी देखो पहले साल 2016 में 10,000 हुई, फिर क्या होगी 20,000। तो करंट असेट्स में वृद्धि हुई, करंट असेट्स में वृद्धि हो तो इंक्रीज साइड कितने आ जाएगा 10,000। और भी एडवांटेज इनका अपन बाद में क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, दोनों का टोटल कर लेंगे कि टोटल ए अपने पास क्या आया। फिर हम बात करेंगे यहां पर करंट लाइबिलिटीज की। ये अपने क्वेश्चन में विभिन्न प्रकार की जो मदें हैं, स्टॉक
जो करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज़ ये बिल्कुल साफ साफ तरीके से दे रखी होगी। तो हमें करंट लाइबिलिटीज़ को कैसे पहचानेंगे, वे दायित्व है जिनका एक वर्ष में क्या करना है, भुगतान करना है, वो कौन से होंगे, चालू दायित्व कहलाएंगे। चालू दायित्व है जो एक वर्ष के अंतर्गत उनको भुगतान करना है, जैसे क्रेडिटर्स, बीपी, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो और भी विभिन्न प्रकार के हैं, क्रेडिटर्स हैं, बीपी हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, अनअर्न इनकम है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, प्रपोज डिविडेंट है, अनक्लेम्ड डिविडेंट है, विभिन्न प्रकार की जो मदें हैं जो कि करंट लाइबिलिटीज़ में आती हैं। तो मुख्यतः हम एक दो मदे की बात कर लेते हैं। क्रेडिटर, क्रेडिटर पहले वर्ष अपने 10,000 और दूसरे वर्ष क्या हो गए, 5,000। जैसा मैंने आपको बताया, अगर करंट लाइबिलिटीज़ में कमी होगी तो वर्किंग कैपिटल में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो 5,000 की यहाँ पर क्या होगी, वृद्धि होगी। दूसरे हम बात करें बिल्स पे बिल्स, बीपी 15,000 और 20,000, यहाँ पर अपने लाइबिलिटीज़ क्या हो गई, पहले वर्ष में 15 थी फिर 20 बढ़ गई। तो जब करंट लाइबिलिटीज़ में वृद्धि होती है विभिन्न वर्षों में, तो अपनी वर्किंग कैपिटल में क्या होगी, कमी होगी। तो ये डिक्रीज साइड आ जाएगा, कितना, 5,000। तो इस प्रकार हम इसको लोग लिख देंगे, टोटल बी कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो करंट एसेट्स जो आई हैं और करंट लाइबिलिटीज़ जो आई हैं, इनके डिफरेंस को लिखेंगे। तो अगर अपने पास डिक्रीज़ है या इंक्रीज़ है तो हम यहाँ लिख देंगे इंक्रीज़, अगर डिक्रीज़ होगा तो डिक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल। इस प्रकार से हम आसानी से स्टेटमेंट शोइंग शेड्यूल इन वर्किंग कैपिटल को आसानी तरीके से हम ज्ञात कर सकेंगे और लास्ट में वर्किंग नोट के रूप में भी लिख देंगे। अगर अपनी डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल अगर होती है, अगर कार्यशील पूंजी में कमी होती है, तो कार्यशील पूंजी में कमी होने पर ये उसको अपन सोर्स ऑफ फंड साइड लिख देंगे। कमी होने पर अगर अपनी वर्किंग कैपिटल में वृद्धि होती है तो एप्लीकेशन ऑफ फंड के साइड लिख देंगे। जब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट ज्ञात करेंगे, इस प्रकार हम स्टेटमेंट शोइंग द चेंज इन वर्किंग कैपिटल की जब हम गणना जब करेंगे तो विभिन्न मदों को इस प्रकार से हम विन्यासित करेंगे। उसके बाद में हम फंड फ्लो स्टेटमेंट ज्ञात करेंगे। फंड फ्लो स्टेटमेंट जब हम ज्ञात करेंगे तो कोषों का आवागमन कैसे हुआ, जैसे इश्यू ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशंस जब हम ज्ञात निकालेंगे तो उसमें सर्वप्रथम इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ डिबेंचर, इससे क्या हुआ, अपना पूंजी क्या हुई, डिक्रीज हुई, क्योंकि शेयर जब हम करेंगे तो पूंजी क्या चली जाएगी अपने से, ठीक है। तो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, फंड ब्योरोज, सेल ऑफ करंट असेट्स और भी विभिन्न प्रकार, सेल ऑफ विभिन्न प्रकार की जो मदें हैं उनसे अपनी कमी जो हुई, तो यहाँ से अपने क्या होती है, सोर्स रुपये निकलने से हैं या किसी वस्तु को अपन जो क्रय करते हैं, यूज़ ऑफ है इसमें एप्लीकेशन ऑफ फंड में लिखेंगे, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जब हम शोधन करते हैं तो जनता से पूंजी तो ले लेते हैं और उसके बदले में क्या देंगे, शेयर दे देंगे, तो वो शोधन हो जाए, तो अपने पास एप्लीकेशन तो यूज़ आ जाएगा, इसमें यूज़ क्या, सोर्स, उसको अपन निर्गमन एप्लीकेशन साइड लिख देंगे, जिसमें रिडेम्पशन ऑफ से लॉन्ग टर्म या फिर किसी प्रकार के इंक्रीज या परचेज ऑफ करेंट एसेट्स। तो इस प्रकार हम आसानी से इनको हम फंड फ्लो स्टेटमेंट जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो करेंगे। तो मुख्य रूप से आपको मैं निष्कर्ष रूप से बताऊँ, उसे दो बातों का ध्यान रखना है। पहली तो क्या रखना है कि जब अपनी करंट एसेट्स में जब वृद्धि होती है दो वर्षों में तो वर्किंग कैपिटल में क्या होगी, वृद्धि।
ये बात ध्यान रखनी है आपको। करंट लायबिलिटीज़ में जब कमी होगी तो वर्किंग कैपिटल में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो अगर करंट एसेट्स में कमी होगी तो वर्किंग कैपिटल में भी क्या होगी, कमी होगी। जब करंट लायबिलिटीज़ में वृद्धि होगी तो वर्किंग कैपिटल में क्या होगी, कमी होगी। बस इस टेबल का आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार अगले वीडियो में हम फंड फ्लो स्टेटमेंट, सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, उनका हम अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।